डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, प्रणाम। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के विंध्येश्वरी घाटी के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के लगभग 2:30 बजे के आसपास से और मंडवे के इन खेतों के साइड से। बाकी आज के ब्लॉग की शुरुआत बहुत देरी से हो रही है। आज सुबह से इन पहाड़ों में मौसम सुहावना सा रहा, प्यारी सी तेज धूप खिली रही। दिन बढ़ने के साथ साथ अभी ना विंध्येश्वर की ऊंची पहाड़ियों से ना मौसम फिर से गड़बड़ सा हो गया है और दिन के टाइम पे ही देखिए बारिश लगना फिर से शुरू हो गया है। तो टाइम है, अभी माहौल भी ठंडा है, तो इसी के साथ मैं तैयार हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो गई है खेतों की ओर घास लेने के लिए जाने के लिए। जैसे ही मैं घर से बाहर आई तो पहाड़ों में देखिए बारिश लगना शुरू हो गई है और बादल तो इतनी जोर जोर से गरज रहे हैं ना कि भाई घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। बाकी गांव के साइड आते ही देखिए लोग के हरे भरे किचन गार्डन देखने को मिलते हैं और सामने के किचन गार्डन में खूब सारी मिर्च हो रखी है और आजकल इन पौधों पे देखिए मिर्च भी धीरे धीरे करके पकने लग गई है। साथ ही साथ देखिए सामने वाले बांस के पेड़ पे ना बड़े बड़े साइज के कद्दू भी लगे हुए हैं और इसी के साथ यहाँ नीचे की ओर ना राजमा की झाड़ियाँ हैं जिन पे खूब सारी मात्रा में राजमा की फलियाँ भी लगी हुई है। सामने साइड ये जो धान के खेत आपको रास्ते के ऊपर और नीचे साइड दिखाई दे रहे होंगे ना, तो आजकल इन धान के खेतों में धान भी लगभग पक के तैयारी हो गए हैं और अभी ना बहुत सारी चिड़िया इन खेतों में बैठी हुई थी भाई धान की बीज निकालने के लिए। भाई गांव के साइड का माहौल तो गजब का हो रखा है, फसलें ही फसलें पकी हुई है चारों ओर। तो लीजिए अभी हम आ गए हैं डोबरा के साइड और यहाँ पे देखिए हमारे वाले मोहल्ले की ना काफी सारी औरतें भी आ गई हैं घास लेने के लिए और ये भी ना उसी साइड जा रही है जहाँ हमारे खेत है। बाकी सामने पे इस वाले पत्थर पे ना पलड़ है और घास जाने से पहले सभी लोग ना इसी पलड़ पे दाथड़ी को धार लगाते हैं। बाकी देखिए गाँव के लोग ना आजकल अपने अपने खेतों में झंझरटे वाली सूखी घास को ना यहाँ सामने इन पेड़ों पर लगाने पर लगे हुए हैं और ये वाली घास ना सर्दियों के सीजन के लिए स्टोर करके रखनी पड़ती है। बाकी देखिए कई सारे लोग ना खेतों की ओर जा रहे हैं घास लेने के लिए। तो खेतों के साइड आते ही आपको सामने इन पत्थरों और जगह जगह ना पेड़ों पे ये सूखी घास लगी हुई दिखाई दे रही होगी। तो लोगों ने देखिए आजकल ना झंझरटे वाली सूखी नियार को कुछ ऐसे जगह जगह पत्थर पेड़ों पे लगा दिया है और कुछ लोगों ने काट के खेतों में ऐसी थुई लगा रखी है। और इसी के साथ साथ देखिए इन पहाड़ों में फिर से बारिश लग गई है। भाई आज तो घास भी कैसे काटेंगे हम लोग। दो तीन दिन पहले इन खेतों में धान की लहलाती फसल आपने देखी होगी, लेकिन आजकल देखिए दो ही दिन बाद इन खेतों में ना लोगों ने धान भी काट दिए हैं और इस नीचे वाले खेत में देखिए इकट्ठा करके रख दिए हैं और हमारे गढ़वाल में ऐसे इकट्ठा करने को बोलते हैं कुनक लगाना। तो अब ये धान की मड़ाई ना दो तीन दिन बाद होगी जब ये साटी अच्छे से सींच जाएंगे। तो एक घंटे तक कंटिन्यू तेज बारिश होती रही और इस तेज बारिश में ना नीचे वाले बड़े से उतीस के पेड़ों को नीचे खड़े हो रखे थे और देखिए गीले हो गए भाई पूरे कपड़े। इसी के साथ मेरे साथ जितने भी थे ना सारे पेड़ के नीचे ही खड़े हो रखे थे और अभी देखिए सभी ना अपने अपने खेतों के और भागने लग गए हैं घास काटने के लिए क्योंकि अभी के टाइम पे बारिश रुक गई है और कुछ लोग तो देखिए इसी बारिश में ना लगातार घास की कटाई कर रहे थे। ये जो रास्ता जाता है हमारे खेतों की ओर तो इस रास्ते में देखिए निरंतर पानी बह रहा है आजकल और काई सी जमी हुई है और बहुत ज़्यादा फिसलन वाला माहौल हो रखा है भाई देखिए।
तो ये भूली जा रही है यहाँ सामने साइड वहाँ अपने खेतों में। तो इसकी मम्मी देखिए वहाँ घास की कटाई करी है, और इस तेज बारिश से देखिए खेतों के साइड साइड ना ऐसे छोटे छोटे गदेरे आ गए हैं भाई, हर जगह पानी पानी हो गया है। तो चलिए जी, फाइनली मैं अपने लाटकाल वाले खेतों में पहुंच गई हूँ। अब एक बारी में फटाफट से 4 से 5 पुली घास निकाल लेते हैं। अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और साथ साथ में बहुत ज़्यादा ठंड भी महसूस हो रही है। आधे घंटे कंटिन्यू इस वाले खेत के ऊपर साइड से मैंने घास काटने के बाद 5 से 6 पुली घास निकाली है, साथ में घास की भारी भी बांधी है। इसी के साथ साथ सामने के चारों ओर की घाटियों से देखिए मौसम भी छट गया है, और अभी देखिए सुंदर गांव के साइड से फिर से बारिश पड़ने लगी है। बाकी बारिश बंद होने के बाद देखिए पहाड़ों के नज़ारे ना भाई निखर के आ गए हैं। जितने क्लियर आपको कैमरे में दिखाई दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा सुंदर ना लाइव दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ गाँव में जो भी औरतें अपने अपने खेतों में घास लेने गई थी ना, अभी देखिए घास की भारी लेके घर की ओर जाने लग गई है। तो देखिए जी, कंधे पे मैंने ये चुन्नी बांधी है ताकि ना मेरे हाथ इस घास से कटे ना, ये वाली घास काफ़ी पहने हो रखी है और मेरे हाथ बाजू की सूट ला रखी थी, तो मेरे हाथों में ना जलन सी हो गई है घास के कटने की वजह से। अब एक बारी में भारी उठा लेते हैं, जब तक बारिश रुकी हो फटाफट ना घर चलते हैं, मौसम का कोई भरोसा नहीं, फिर से तेज़ बारिश आ सकती है। तो देखिए जी, घास की भारी मैंने उठा ली है। अब यहाँ लाटखाल से मेरे घर तक जाने में ना कम से कम आधा घंटे का टाइम तो लगता ही है। तो चलिए जी, अब फटाफट निकलते हैं घर की ओर। और आज तो घास इतनी ज़्यादा गीली हो रखी है ना कि भारी भारी सी लग रही है, क्योंकि मैंने 5 ही पुली निकाल रखी है, वो भी छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं। घास की भारी लेकर अभी हम एक धार में पहुंच गए हैं, और हम दिन में ना जितने भी लोग एक साथ गए थे ना घास काटने के लिए, सभी अभी के टाइम पे यहाँ पे पहुंच गए हैं। और ये देखिए सभी ने अपने अपनी घास की भारी यहाँ पे रखी हुई है। खेतों से आते आते थक लग गई है, और भाभी लोग तो थोड़ी देर पहले आ गए थे। बाकी देखिए हमारी दीदी जी अब आ रही है। बाकी बगवाड़ी गांव के ठीक नीचे आज पूर्वी अनर नदी में पानी बहुत ही ज़्यादा मटमैला बह रहा है, यानी कि आज विंध्योशर की ऊंची पहाड़ियों में ना बहुत तेज़ बारिश हुई है, इस वजह से देखिए नदी का जलस्तर खूब बड़ा हुआ है भाई। 10-15 मिनट हम लोग ना यहाँ पे बैठे रहे। तो चलिए जी, अब इसी के साथ हमारी हो गई है फिर से घर की ओर जाने की तैयारी, और अभी देखिए सभी ने ना अपने अपने घास की भारी भी उठा ली है। तो धीरे धीरे करके हमारे साथ जितने भी औरतें थी ना, सारी अपनी गौशालाओं की ओर चली गई हैं। इसी के साथ दीदी भी चली गए हैं अभी के टाइम पे, उनकी गौशाला ठीक ऊपर ही साइड पे है। तो चलिए जी, अब यहाँ से मुझे अकेला सफ़र तय करना है अपनी गौशाला के लिए। आ रहे दीदी जा। अभी मैं अपनी गौशाला में पहुँच गई हूँ। बाकी घास की भारी मैंने यहाँ पर रख दी है, और साथ साथ में रस्सी भी खोल दी है और दराती भी निकाल दी है। भाभी देखिए सुबह ये वाला घास लेके आई थी, और ये घास भी यहीं गोठान में रखा हुआ है। बाकी भैंस तो अंदर ही बंधे हुए हैं, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई थोड़ी देर पहले, तो उन्हें भी अंदर ही रखा हुआ है आज। इसी के साथ आजकल हमारे गोठान में जो ये कद्दू की बेल है ना, इस बेल पे यहाँ इस बांस के पेड़ पे बहुत ही बड़े साइज का कद्दू हो रखा है, ये देखिए। बाकी सामने इस खेत में देखिए, पिछले दिनों आपने देखा होगा मंडुवे की पूरी फसल लटक गई थी, और आजकल देखिए ताई जी की बहू ने ना इन खेतों में मंडुवे को बांध दिया है। और अब देखिए बांधने के बाद ये मंडुवा ना कैसा लग रहा है, जैसे पुली बांधी होगी। अभी भी लटक रखा है, लेकिन अब ना बालियाँ थोड़ी ऊपर हो गई है, ऐसे करने से ना बालियाँ सड़ती नहीं है। तो फाइनली अभी के टाइम पे मैं घर पे भी पहुंच गई हूँ, और अभी देखिए माँ ने ना बच्चों को गेट के अंदर बंद कर रखा है। क्यों खोलो? बाकी आज सुबह देखिए मैंने अपने किचन गार्डन में ना पूरी साफ सफाई कर दी है, यानी कि किचन गार्डन में जो भी काकड़ी, मुंगरी और राजमा की झाड़ी आती है ना, ये सारी निकाल दी है। और यहाँ पर जो काकड़ी की बेल थी ना, उससे देखिए इतनी सारी पीली पीली काकड़ियाँ निकली,
इनका आंकड़े को हम लोग खाते नहीं हैं, इन्हें हम ना अगले साल के बीज बोने के लिए रखेंगे। सामने पे भी है, यहाँ पे भी है, और आप देखिए हमारे आंगन के आगे का एरिया खुला खुला लगने लग गया है जी। बाकी सामने वाली बेल अभी नहीं काटी हमने, इस पे अभी ना खूब सारी मात्रा में वहाँ छत की ओर ना हरी हरी काकड़ियाँ लगी हुई है, तो इस बेल को हम थोड़ा देर से काटेंगे जब ये सारी काकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब धीरे धीरे करके इनका सीज़न भी जाने लग गया है, तो बेलों पे देखिए पीली पीली काकड़ियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिल रही होंगी। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए आजकल राजमा की बेल पे राजमा की फलियाँ भी पकने लग गई हैं, और कुछ फलियाँ तो हरी हो रखी हैं, मतलब बहुत सारी मात्रा में है भाई इस बेल पर ये फलियाँ। अब मिली है सोमू से, और आजकल तो सोमू ना खड़े होने लग गए हैं, अपने आप से छोड़ दे दो छोड़ दे दो छोड़ दे तो उसको छोड़ दे तो होती है नहीं खड़ी, छोड़ दे भूली को छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे तो अब धीरे धीरे करके सोमिया घुटनों के बल चलने लग गई है, और आजकल तो अपने आप से थोड़ा थोड़ा खड़ी भी हो रही है ना। हमारी सोमू बहुत बदमाश है, छोड़ दे तो माँ कह रही है इस वाली क्यारी में ना हम लोग धनिया और साथ साथ में प्याज के बीज डालेंगे, तो अब ना सर्दियों के मौसम में होने वाली सब्जियों के बीज हम इस वाली क्यारी में बोएंगे, जो कि अब कुछ दिनों बाद ही बोएंगे। बाकी सामने वाले माल्टे के पेड़ पे आजकल देखिए माल्टों का साइज खूब बड़ा हो गया है, और हमारे किचन गार्डन में ना दो माल्टे के पेड़ हैं, एक सामने पे है और एक ठीक यहाँ नीचे की साइड है यहाँ पे, और दोनों पेड़ों पर खूब सारे माल्टे लगे हुए हैं भाई। ताकि पहले के टाइम पे हम ना गांव में ही रहते थे, और गांव से यहाँ पर आए हुए कम से कम हमें 14 साल हो गए हैं, यानी कि 2014 में हमारा नया घर बनके तैयार हो गया था बगडांग वाले मोहल्ले में, और हमें यहाँ आए भी 14 साल हो गए हैं, तो इन पेड़ों को लगाए भी उतने ही साल हो गए भाई, मतलब मेरे पापा जी की मेहनत रंग ला गई भाई। ये देखिए, और यहाँ पर भी है एक संतरे का पेड़, ये देखिए ये पेड़ तो अभी छोटा है।